हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद समर में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ LIC में आई ADO यानी कि अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस बताऊँगा और आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा उसके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी पहुँचे और वो भी जान सके इस वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आप वीडियो की भावनाओं में इतना खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सिलेबस शुरू करने से पहले आपको शॉर्ट में इस वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, LIC अप्रेंटिसशिप डेवलपमेंट ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म यानी कि ADO ऑनलाइन फॉर्म 2019। तो बात करें हम सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियों की इसमें, तो दोस्तों इसका आवेदन स्टार्ट हो रहा है 20 मई 2019 को तथा इसके आवेदन का अंतिम डेट होगा 9 जून 2019। यानी कि आप 20 मई से लेकर 9 जून के बीच में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आप इसके फीस का भुगतान भी 9 जून 2019 तक ही कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड 29 जून 2019 को आ जाएगा तथा जो इसका प्री एग्ज़ाम डेट संभावित है वो है 6 और 13 जुलाई 2019 को। वहीं इसका मेंस एग्ज़ाम जो संभावित है वो है 10 अगस्त 2019 को इसका मेंस एग्ज़ाम किया जाएगा। फ्रेंड्स, बात करें इसमें अगर एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसमें जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 600 रुपये का शुल्क देना होगा तथा SC और ST कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि इन लोगों के लिए फॉर्म फीस फ्री होगा और इस फीस का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी के बारे में अगर हम बात कर लें तो दोस्तों टोटल वैकेंसी में 1753 पदों पर वैकेंसी निकली है इसमें। और यहाँ पे देखते हैं पोस्ट नेम है ADO, पोस्ट है 1753 पद है और क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट देख सकते हैं 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और उम्र की गणना 1 मई 2019 के आधार पर की जाएगी। और दोस्तों, इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी दी गई है जिसमें और SC और ST के लिए 5 वर्ष तथा OBC कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ आपको इसका सिलेबस। तो सिलेक्शन प्रोसीडर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सिलेक्शन प्रोसीडर आपका प्री मेंस और मेडिकल टेस्ट तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। तो देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट फॉर ओपन मार्केट कैटेगरी, सिलेक्शन फॉर अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रॉम ओपन मार्केट कैटेगरी विल बी डन थ्रू 2 फेज एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, इसमें 2 फेज यानी कि 2 फेज में एग्ज़ाम होगा इसमें। तो पहला फेज यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री एग्ज़ाम। तो दोस्तों, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं प्री एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ये होगा ऑनलाइन के माध्यम से यानी कि CBT के आधार पर इसमें आपका एग्ज़ाम किया जाएगा। और इसमें आपके कुल 3 सेक्शन से प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 35 नंबर है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 35 नंबर और इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन 30 नंबर है। तो इस तरह टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन है 70 नंबर के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम 70 नंबर का इसमें आपका एग्ज़ाम होगा प्री में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डबल स्टार दोस्तों यहाँ पे लगा है यानी कि इसका मतलब ये होगा जो इंग्लिश का पेपर होगा वो होगा केवल क्वालिफाइंग टाइप का होगा, इसका मेरिट नहीं बनेगा इसमें। और मीडियम देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर होगा और सभी के लिए दोस्तों 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा यानी कि 1 घंटे का प्रश्न होगा आपका 3 सेक्शन में। और ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डबल स्टार है वो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर
एंड द मार्क इन इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड द रैंकिंग। तो दोस्तों इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो रैंकिंग में नहीं जोड़ा जाएगा। कैंडिडेट इक्वल टू 20 टाइम ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी इन ईच कैटेगरी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन्स एग्जाम। तो दोस्तों इसमें आपको शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद मेन्स एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। तो मेन्स एग्ज़ाम फेज सेकेंड में आपका मेन्स एग्ज़ाम होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर ही होगा और ये भी आपका ऑनलाइन ही होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 150 नंबर के प्रश्न होंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 150 मार्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकेबुलरी, तो इसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग अवेयरनेस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन नॉलेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर से 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के लिए। तो दोस्तों इस तरह कुल 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के लिए। और इसमें आप देख सकते हैं जो रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी का माध्यम होगा एग्जाम को हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोस्तों जो मेन्स एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहेगा। और इसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट फॉर एजेंट्स एंड एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, और इसमें भी आपका दोस्तों इसके लिए भी आपका जो चयन होगा मेंस एग्ज़ाम के लिए जो आपको बुलाया जाएगा, जो प्री एग्ज़ाम जो मैंने आपको पहले बताया उसी के आधार पर आपका इसमें भी चयन किया जाएगा। और इसमें आपका मेंस का एग्ज़ाम अलग होगा, तो ये भी होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा और ऑनलाइन ही होगा। और इसमें भी आपको 150 क्वेश्चन के लिए प्रश्न रहेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 25 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे, वहीं जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 15 नंबर। और दोस्तों ये टोटल हिंदी और इंग्लिश में पेपर होंगे आपके। और ड्यूरेशन यहाँ पर देख सकते हैं जो परीक्षा के लिए आपको समय दिया जाएगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्पेशली एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकेबुलरी से संबंधित होंगे। और तीसरे सेक्शन में एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस है, तो इसके लिए 50 क्वेश्चन रहेंगे 125 नंबर के लिए। तो दोस्तों इस तरह कुल 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के लिए। और इसका जो माध्यम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं इसमें मेंस एग्ज़ाम जो होगा इसमें आप न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और माध्यम होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों। उसके बाद होगा जनरल नॉलेज करेंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मार्केटिंग से 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के लिए। तो इसमें भी दोस्तों कुल टोटल 150 क्वेश्चन के प्रश्न होंगे 150 नंबर के लिए, और इसमें भी आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे और फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन मैक्स मिनिमम क्वालिफाई मार्क इस इन इच सेक्शन, यानी कि दोस्तों इसमें आपको सभी सेक्शन में क्वालिफाइंग नंबर लाने अनिवार्य होंगे। यदि आप किसी एक भी सेक्शन में फेल होते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं प्री और मेंस एग्जाम में यही नियम लागू होगा, यानी कि आपको सभी जितने भी पेपर होंगे उसमें आपको क्वालिफाइंग नंबर लाना अनिवार्य होगा। तो इस तरह देख सकते हैं दोस्तों आपको सभी में क्वालिफाई नंबर लाने होंगे। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का भी प्रयोग किया जाएगा इसमें। और यहाँ पे एक और बड़ी बात दोस्तों देख सकते हैं इसमें कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि जो जिस आप प्रश्न को नहीं जानते हैं उस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी गलत आंसर के लिए रॉन्ग नंबर के लिए रॉन्ग आंसर के लिए इसमें आपको कोई भी उत्तर के लिए
आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, यानी कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। दोस्तों अब बात ये बात आती है इंटरव्यू की, तो प्री और मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और यदि आप इंटरव्यू में सफल होते हैं तो वहाँ आपके बाद आपकी फ़ाइनल मेरिट बनेगी, और मेरिट में आप यदि क्वालिफाई करते हैं तो आपका इसमें चयन किया जाएगा, और मैक्सिमम देख सकते हैं मार्क जो होगा इंटरव्यू में 37 नंबर के लिए होगा, यानी कि जो इंटरव्यू होगा आपका 37 नंबर का इंटरव्यू होगा इसमें। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा इसमें, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC कैंडिडेट, यानी कि दोस्तों इसमें SC ST और OBC कैटेगरी के लिए प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए भी व्यवस्था की गई, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं SC ST और OBC में, उन्हें एग्ज़ाम से पहले 1 हफ्ते का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसमें इन्हें इसके बारे में सभी डिटेल्स बताए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं विथ इन 1 वीक का इसमें आपका ट्रेनिंग होगा। तो दोस्तों ये था वीडियो LIC में आई भर्ती के सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद समर को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।